हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस लेसन में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और वो है आवर्त सारणी, यानी कि पीरियोडिक टेबल जिसे बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जितने भी ए टू जेड क्वेश्चन बन सकते हैं, बिल्कुल एक बेसिक नॉलेज के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस आवर्त सारणी के माध्यम से, जिससे कि आप बिना रटे जितने भी यहाँ से जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल आप आंसर दे पाओगे उनका इजीली, ठीक है। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। और आपको मैं अभी प्रेजेंट में अगर बात करता हूँ, तो ग्रुप डी के जितने भी जो शिफ्ट अभी तक हुई है कंप्लीट, उसमें हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे जिन दोस्तों का ग्रुप डी का एग्जाम है, उनको तो ये वीडियो ध्यान से देखना ही है। उसके अलावा जो SSC वगैरह के एग्जाम है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है SSC वगैरह में, तो सभी को ये दो वीडियो दो है ध्यान से देखना है। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम यहाँ पे इस आवर्त सारणी के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए अपना, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे आवर्त की संख्या पूछी गई है, तो आपका आंसर होगा 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी में। चलिए देख लेते हैं कौन से होते हैं आवर्त। आप ये आवर्त सारणी देख रहे हो, आधुनिक आवर्त सारणी, इसके अंदर मैं बात करता हूँ। देखिए अभी तो ये जो इस तरीके की जो लाइनें होती है, जो क्षैतिज लाइनें, इनको कहा जाता है क्षैतिज लाइनें, ठीक है। जो यहाँ पे RD लाइनें होती हैं, इनको क्षैतिज लाइनें भी बोला जाता है, और इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों आवर्त। इनको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है क्षैतिज लाइनों को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, गिन सकते हो आप इनको, 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो ये टोटल 7 आवर्त होते हैं आवर्त सारणी के अंदर। ये आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि क्षैतिज लाइनों को क्या कहा जाता है आवर्त सारणी के अंदर। तो मैंने बताया आपको क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है क्षैतिज लाइनों को आवर्त सारणी के अंदर। ये हमारा क्लियर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा 18 वर्ग होते हैं। चलिए देख लेते हैं वर्ग कौन से होते हैं आवर्त सारणी में। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो ऊर्ध्वाधर जो लाइनें होती है, जो बॉक्स दिख रहे हो यहाँ पे, जो खड़ी लाइनें हैं, इनको कहा जाता है फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। इनको समूह के नाम से भी जाना जाता है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना है, जो यहाँ पे वर्गों की संख्या है, इनको अगर आप गिनते हो तो टोटल 18 वर्ग है इसके अंदर। यहाँ से गिनना शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 जो भी है 18 वर्ग हो गए इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में जो खड़ी लाइनें, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा, इनको जाना जाता है वर्ग के नाम से जाना जाता है, या फिर इनको समूह भी कहा जाता है। तो ये दोनों प्रश्न हमारे क्लियर हो गए होंगे आपका ना। देखिए ये वर्ग जो यहाँ पे आवर्त और वर्ग में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पे जो ऐसी लाइनें होती है, इनको कहा जाता है क्या? आवर्त कहा जाता है। जो खड़ी लाइनें होती है, इनको क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए अगला प्रश्न है अपना, आवर्त सारणी में गैसों की कुल कितनी संख्या है। तो आपका आंसर होगा, टोटल आवर्त सारणी में 11 गैसें हैं। अब देख लेते कौन कौन सी है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए जो पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, इसके अंदर पहली गैस है यहाँ पे हाइड्रोजन। एक तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन, उसके बाद में दूसरी हो गई नाइट्रोजन, तीसरी हो गई ऑक्सीजन, चौथी हो गई यहाँ पे फ्लोरीन, और उसके बाद में पाँचवीं हो गई क्लोरीन, उसके बाद में हीलियम हो गई हमारा, नियोन हो गया, आर्गन हो गई, और यहाँ पे क्रिप्टोन हो गई, जेनोन हो गई, और रेडोन हो गई। तो ऐसे ही अगर आप इनको पूरी की जो मैंने बताई इनको गिनते हो, तो टोटल 11 गैसें आवर्त सारणी में पाई जाती है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे भारी धातु होती है। सबसे भारी धातु पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखना है ओस्मियम। ये तो नाम आपको रट लेना है, सबसे भारी धातु होती है ओस्मियम, आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अपना, निम्न में से आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। सबसे हल्की धातु पूछी गई है, तो आपका आंसर होगा लिथियम। लिथियम सबसे हल्की होती है। देखिए हल्की और भारी का क्या मतलब है, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो आवर्त सारणी है, इसको किस तरीके से अंदर जो ये तत्व है, इनको किस तरीके से जमाया गया है, इसके अंदर किस तरीके से रखा गया है, तो आपको ध्यान रखना है तत्वों के बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में इनको यहाँ पे जमाया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन है, उसके बाद में जो हाइड्रोजन तो गैस हो गई जैसे कि मैंने बताया था, उसके बाद में दूसरी लिथियम है, यहाँ पे दूसरे नंबर है आप देख रहे हो। और ये लिथियम जो है, ये क्या है दोस्तों? ठोस है, ठीक है। तो ठोस है तो ये सबसे यहाँ पे ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे सबसे हल्की धातु है, ये आपको ध्यान में रखना है लिथियम, ठीक है। हो गया हमारे यहाँ पे लिथियम क्लियर, सबसे हल्की और सबसे भारी ओस्मियम है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अपना,
सर्वाधिक गैस वाला वर्ग कौन सा है, यानी कि आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा गैस वाला वर्ग कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, गैसें पाई जाती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो वर्ग देख रहे हो आप, 18वां वर्ग जिसे आप कह सकते हो, 18वां वर्ग है। ठीक है, और इतने जो जितने भी जो मतलब ये वाला जो है, ये पूरे गैस होती है। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है, तो ये सारी क्या होती है, गैसें होती है। और ये एक ऐसा वर्ग है जिसमें पूरी गैस पाई जाती है, यानी कि सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, 18वें वर्ग में पाई जाती है। और इनको कहा जाता है एक्रिय गैस भी कहा जाता है, या शून्य वर्ग भी इसको कहा जाता है। 18वें वर्ग को क्या कहा जाता है, शून्य वर्ग या एक्रिय गैसों वाला वर्ग कहा जाता है, क्योंकि ये जो जितनी भी जो गैस है ये एक्रिय गैसों की गिनती में आती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाएगा जो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो ये आपको बस अभी तो ये ध्यान रखना है कि जो 18वें वर्ग होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है। ठीक है, जिसमें हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अपना, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था अपना, तो इसका आंसर होगा शून्य वर्ग या एक्रिय गैस वर्ग, जो कि 18वां वर्ग भी यहाँ पे दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है 18वें वर्ग में या शून्य वर्ग में, या एक्रिय गैस जो होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्न में से सबसे भारी गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस पूछी गई है। ठीक है, तो सबसे भारी गैस होगी जो नीचे होगी, सबसे मतलब कि वही सबसे भारी होगी, तो आपको आंसर होगा रेडोन। रेडोन जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो नीचे है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये सबसे भारी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अपना, कौन सी एक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा रेडोन। रेडोन जो है ये एक एक्रिय गैस, जैसे कि मैंने अभी बताया था ना, लिस्ट पूरी बताई थी कौन कौन सी एक्रिय गैसें हैं, उसमें से जो रेडोन है वो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, एक्रिय गैसों का नाम तो आपको रट लेना है बिल्कुल कैसे भी करके, ये जो एक्रिय गैस है यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, इनके नाम तो आपको रट लेने हैं बस। ठीक है, यहाँ से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए अपना, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, एक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो एक्रिय गैसों में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा जीरो। एक्रिय गैसों में जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये कोई क्रिया नहीं करती किसी भी साथ। ठीक है, इसलिए इनको एक्रिय गैसें बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए अपना, निम्न में से कौन सी एक्रिय गैस है, तो मैंने फिर से आपको बताया था रट लेना है एक्रिय गैस वाला जो बॉक्स है उनको, जितने भी चार पांच जो एक्रिय गैस है उनको। और आपका इसमें से देखिए, हाइड्रोजन है नहीं एक्रिय गैस, ना ऑक्सीजन भी नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, हीलियम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हीलियम है, तो आपका आंसर होगा हीलियम। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है, सबसे क्रियाशील अधातु पूछा है, यहाँ पे ध्यान रखना है धातु और अधातु में आपको ध्यान रखना है, ये अधातु पूछ रहा है सबसे क्रियाशील, तो आपका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, यहाँ पे फ्लोरीन होना चाहिए था। मैं आपको बता दूँ, सबसे जो अक्रियाशील अधातु है वो है फ्लोरीन, तो इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, फ्लोरीन सबसे क्रियाशील अधातु की गिनती में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अपना, सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व होता है हीलियम। देखिए, ये आयनन विभव जो आप देख रहे हो, थोड़ा सा आपको यहाँ पे शायद आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होता है आयनन विभव, ये थोड़ा डीपली टॉपिक है और ये मोस्टली ऐसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा आपको, तो इस चीज़ को आपको ओनली छोड़ दीजिए, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है, तो आपको बस नाम ध्यान रखना है, हीलियम होता है। और यहाँ पे सर्वाधिक और कम जो है, इस तरीके से दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा ये होता है सीजियम। तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक आयनन विभव हो जाएगा हीलियम और न्यूनतम आयनन विभव हो जाएगा सीजियम, बस ये इतना सा आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखिए अपना, विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है, सुचालक अधातु पूछा गया यहाँ पे, ना कि धातु, धातु तो सभी सुचालक होंगे, लेकिन यहाँ पे जो अधातु है वो कौन सा है जो सुचालक होता है विद्युत का, तो आपका आंसर होगा ये होता है ग्रेफाइट। देखिए, जो ग्रेफाइट है ये एक अधातु की गिनती में आती है, ग्रेफाइट आपको ध्यान रखना है अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इसमें करंट का फ्लो होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक कब होता है, जब किसी भी तत्व के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब भी उसके अंदर विद्युत जो है चालक होता है विद्युत का।
अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन पौधे के पर्ण में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? जो पौधे के पर्ण में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आपका ध्यान रखना है ये पाया जाता है पौधे के पर्ण में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, जिसका प्रतीक है Mg, ये भी प्रतीक भी आपको ध्यान में रख लेना। अगला प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो आपका आंसर होगा सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की, जिसको Cl के नाम से जाना जाता है, ठीक है, Cl+, इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, ये आपको बस इतना से ध्यान रखना है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता पूछी जाएगी, आपको आंसर देना है क्लोरीन होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से अर्धचालक धातु कौन सी है? देखिए अर्धचालक धातु पूछी गई है, तो आपका आंसर होगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि सिलिकॉन को बोलते हैं Si और जर्मेनियम को बोलते हैं Ge, ठीक है, ये दोनों अर्धचालक होती है। अब यहाँ पे इसके अलावा भी काफ़ी होती है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी होती है इसके अलावा, जो आपको ध्यान में रख लेनी है, कैसे भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए अर्धचालक की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये जो बॉक्स देख रहे हो आप इस तरीके का, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये जो अलग ही कलर है आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा, ये जो होती है ये अर्धचालक की गिनती में आती है, ठीक है। अर्धचालक या फिर इनको सेमीकंडक्टर मेटल्स भी इंग्लिश में बोलते हैं, सेमीकंडक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे ब्रोमीन है, सॉरी बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेरियम है, तो इस तरीके से ये जो है जितनी भी मैंने बताई आपको, ये होती है अर्धचालक धातु, ये ठीक है। इसकी बात करते हैं, देखिए यहाँ पे तो इसके अंदर मोस्टली ये दो ही पूछी जाती है और दोनों का ही यूज किया जाता है मुख्यतः, काफ़ी सारे जो सेल्स वगैरह का निर्माण होता है इन दोनों ही अर्धचालकों का निर्माण किया जाता है, जिसमें सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, बस ये दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कोई यूज नहीं किया जाता है कहीं पे भी, ठीक है मोस्टली, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। ये अर्धचालक की गिनती में आते हैं, जिनको सेमीकंडक्टर मेटल्स भी बोलते हैं या फिर इनको उपधातु भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है फ्रेंड्स, देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आधुनिक आवर्त सारणी जो मैंने आपको ऊपर बता रहा हूँ, मैं आपको इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी मोजले ने, मोजले के द्वारा ही इसकी आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। वैसे मैं अगर प्रारंभिक आवर्त सारणी की मैं बात करता हूँ, जो सबसे पहले आवर्त सारणी की जो परिकल्पना दी थी, नियम दिया था, वो दिया था मेंडलीफ ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो अभी आवर्त सारणी हम यूज कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे बोलते हैं, इसकी खोज की थी मोजले के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में रखा गया है? तो आपका आंसर होगा तत्वों को रखा गया है परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसके अंदर जो तत्वों को सेट किया गया है, जो जमाया गया है तत्वों को, वो किस तरीके से जमाया गया है? तो जो तत्वों का परमाणु क्रमांक है उसके बढ़ते क्रम में उनको जमाया गया है, यानी कि सबसे कम परमाणु क्रमांक वाला तत्व ऊपर, फिर उससे ज़्यादा नीचे, फिर उससे ज़्यादा नीचे, इस तरीके से बढ़ते क्रम में उनको लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा एस उपकोष में पाए जाते हैं टोटल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए उपकोष की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखिए कितने उपकोष होते हैं, एक तो एस उपकोष होता है, एक पी उपकोष होता है, एक डी उपकोष होता है, एक एफ उपकोष होता है, इस तरीके से ये उपकोष होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो एस उपकोष है, तो एफ उसको उपकोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद में दूसरा जो पी उपकोष है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके बाद में जो डी उपकोष है उसके अंदर पाए जाते हैं कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। और जो एफ उपकोष है उसके अंदर पाए जाते हैं टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख लेनी है, कैसे भी किससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एफ इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष पूछा जा सकता है, डी पूछा सकता है, पी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? तो आपका आंसर होगा अब तक 118 तत्व जो है आवर्त सारणी में खोजे जा चुके हैं, आवर्त सारणी में जो रखे गए हैं 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। उसके बाद में चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? अधातु की बात की, ये ग्रुप डी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, अधातु की बात की ना कि धातु की। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, वैसे इसका आंसर ब्रोमीन होगा, मैं आवर्त सारणी में इसको आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। चलिए ये जो आवर्त सारणी आप देख रहे हो, इसके अंदर हमने उसने पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है, अधातु की बात कर रहे हैं। तो देखिए अधातु जो होती है, आप जो ये वाला जो ये कलर देख रहे हो, ये वाला, ये जो ये थोड़ा सा इस तरीके का कलर देख रहे हो, ये वाला, ये पूरी जो है अधातु होती है, ठीक है, अधातु की गिनती में आती है। और जो ये एक्रिय गैसें होती है, ये भी अधातु की गिनती में आती है। तो इनको मिलाकर ये पूरी क्या है, अधातुएं हैं यहाँ पे,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके से अंदर ये आप एक अलग ही कलर देख रहे होंगे, एक ग्रीन कलर का BR लिखा हुआ है, ठीक है। BR यानी कि ब्रोमीन, ये एक अधातु, मैंने बताया कि ये जो बॉक्स है ये अधातुएँ हैं पूरी, और इसके अंदर जो BR है ये भी अधातु हो गया, लेकिन जो ये BR अधातु है ये क्या पाया जाता है, एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि ब्रोमीन, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने पारे की बात की थी, तो ये जो ये पूरी है ये धातुओं की गिनती में आती है इधर ये, ठीक है। और इसके अंदर ये जो HG दिख रहे हो आप, ये पारा, ये भी क्या है, धातु है, और ये एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातु पूछा जाए तो आपको बताना है पारा पाया जाता है द्रव अवस्था में, और अधातु पूछा जाए तो जो ब्रोमीन है वो पाया जाता है द्रव अवस्था के अंदर। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उसके बाद में देखिए ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है इनमें से। तो आपको पता ही होगा, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अपना, निम्न में से सबसे चमकदार अधातु पूछी गई यहाँ पे, अधातु की बात की है, ठीक है। तो सबसे चमकदार अधातु है वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों हीरा। हीरा जो है अधातु की गिनती में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं होता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो पूछा गया है, सूर्य ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है, जो सूर्य है, ब्रह्मांड है, तारे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ये पाया जाता है हाइड्रोजन। देखिए जो हाइड्रोजन गैस है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है सूर्य जो ब्रह्मांड वगैरह होता है उसके अंदर, ठीक है। और अगर बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, हम परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है। परमाणु रिएक्टर जो होते हैं उनमें नाभिकीय विखंडन के आधार पर वो कार्य करते हैं, जबकि सूर्य जो मतलब कि जो होता है वो किस आधार पर वो करता है, तो सूर्य में जो अभिक्रिया होती है कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य में पाई जाती है, और जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं उनमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, आवर्त सारणी में सबसे हल्की अधातु गैस कौन सी है, सबसे हल्की अधातु गैस पूछी गई है यहाँ पे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की अधातु गैस कौन सी हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है, मैंने आपको बताया था ये टॉप पे इधर कॉर्नर में है हाइड्रोजन, और ये इसलिए जो है सबसे हल्की अधातु गैस हो जाएगी, ठीक है। कॉर्नर में इधर मैंने बताया था, यहाँ पे टॉप पे है हीलियम हाइड्रोजन, ठीक है, एच जिसका प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देखिए अपना, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है, आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इनमें से जो है मानव बॉडी के अंदर पाया जाता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिए, वायुमंडल में पाए जाने वाली सर्वाधिक मात्रा वाली गैस कौन सी है, तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो आपका आंसर होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से निम्न में से नहीं है, तो आपका आंसर होगा इसमें जो प्लूटोनियम है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। बाकी का यहाँ पे पूछ ऑप्शन में दिया होगा कि निम्न में से कौन सा समस्थानिक है, तो इनमें से अगर तीनों में से कोई भी आता है तो आपको उनको टिक करना है, नहीं है जो ऑप्शन वो आपको सीधा देना, ठीक है। तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, और टाइटेरियम है, ये तीनों जो है हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, H1 और H2 और H3, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अपना, निम्न में से किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता है, कौन सी धातु है इनमें से जिसको चाकू से नहीं काटा जा सकता है, मोस्ट ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है ये जो बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेरियम। देखिए जो बेरियम है इसको चाकू से नहीं काटा जा सकता है, बाकी की जो लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, इनको चाकू से काटा जा सकता है, और कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ जिनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। चलिए आवर्त सारणी की तरफ बढ़ते हैं अपना, एक बार यहाँ पे आप देख रहे हो ये वाली चाकू से काटने का मतलब कि वो हल्की है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए उनको चाकू से काटा जा सकता है। तो ये आप देख रहे हो जो ये वाला बॉक्स है, इसमें जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, इनको जो है चाकू से काटा जा सकता है, सीजियम है, ठीक है। तो ये जितने भी जो ये धातु है इस वाले बॉक्स में,
पहला जो यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ग, इसके अंदर जो धातु ही होती है, ये इसको तो छोड़ना है आपको, हाइड्रोजन को तो ठीक है, ये तो गैस है तो इसको तो छोड़ देना आपको। उसके बाद में जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, इनमें से कोई सा भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है और पूछा जाता है कि कौन सी को धातु को जो है चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको झट से टिक लगा देना है इनमें से अगर आपको कोई भी दिखता है तो, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम वगैरह जो भी है, ठीक है, तो ये धातु जो है चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। ओके ठीक है, ये वाला हो गया हमारा, चाकू से नहीं काटा जा सकता पूछा गया था, तो मैंने बताया लिथियम को काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है, लिथियम का Li प्रतीक होता है, सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का K होता है, ठीक है, इनको चाकू से काटा जा सकता है, बेरियम अलग है तो बेरियम को नहीं काटा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आवर्त सारणी में ठोस धातुओं की संख्या कितनी है, ठोस धातु ये पूछी गई यहाँ पे, तो मैंने एक ऊपर बताया था क्वेश्चन में, ठोस कितनी होती है, 10 होती है, 10 धातु हो है ठोस अवस्था में पाई जाती है, और एक द्रव अवस्था में पाई जाती है जो पारा है वो, और 11 जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो ये यहाँ पे आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको क्लियर जवाब दे देना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आवर्त सारणी में सबसे हल्की एक्रिय गैस कौन सी है, सबसे हल्की एक्रिय गैस पूछी गई है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे हमारे एक्रिय गैसों की तरफ, तो एक्रिय गैस कौन सी है, मैंने बताया था जो ऊपर होगी सबसे हल्की होगी, जो सबसे नीचे होगी वो सबसे भारी होगी, तो ऊपर सबसे हल्की गैस को एक्रिय गैस कौन सी है, हीलियम है, ठीक है, Hg जिसको बोलते हैं, तो ये सबसे हल्की एक्रिय गैस है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और एक्रिय गैस की बात की है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अगर वैसे नॉर्मली बात करते तो हाइड्रोजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक और मैं टॉपिक क्वेश्चन आपको जो बनते हैं बता देता हूँ, वैसे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, लेकिन और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, इन कलर्स का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो कलर्स है, ये अलग से एक कलर है पूरा, और इसको मैंने अलग से इसलिए रखा है इस कलर को क्योंकि ये एक्रिय गैसों की गिनती में आती है, ये आपको क्लियर होगा होगा ये एक्रिय गैस है। उसके बाद में ये वाला जो कलर है एक अलग ही कलर दिख रहा है आपको, और इसका एक तत्व यहाँ पे भी है, ठीक है, इनको बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है, अधातु इनको बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लियर, ये अधातु हो गई। उसके बाद में एक जो ये वाला बताया था मैंने आपको, ये उपधातु वाला बॉक्स हो गया हमारा, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, उपधातु या सेमीकंडक्टर या अर्धचालक इनको कहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हो हमारा जो इस तरीके का ये वाला जो अलग कलर है यहाँ पे देख रहे हो, इनको कहते हैं धातु, ये धातु की गिनती में आती है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो कलर देख रहे हो आप, ये बिल्कुल येल्लो, पीला वाला, बिल्कुल येल्लो वाला, ठीक है, जिसके अंदर बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीजियम और सॉरी स्ट्रेजियम और यहाँ पे बेरियम, ठीक है, तो इनको बोला जाता है दोस्तों एल्कलाइनी तत्व, ठीक है, यानी कि अम्लीय बोला जाता है इनको, ये अम्लीय की गिनती में आती है। और इसके बाद में जो ये वाला जो देख रहे हो आप, ये वाला कलर, इनको बोला जाता है क्षारीय धातु, ये ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी क्षारीय धातु की गिनती में आती है, तो आपको नाम ध्यान रखना है, लिथियम, सोडियम और जो यहाँ पे पोटेशियम है, रुबिडियम है, इनको मतलब कि सभी जो है ये क्षारीय धातु कहलाती है, और जो अम्लीय धातु है ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो यहाँ पे बेरिलियम वाला जो बॉक्स है सेकेंड वाला वर्ग, ये होती है अम्लीय धातु, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और आई होप आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। सो गाइज ये थी आज की वीडियो, और आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले अपने चैनल को, जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबा लीजिएगा, साथ ही जो नीचे बेल आइकन है साइड में उसे जरूर आप दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी अपने चैनल पर बिना मिस हुए। सो अभी के इस लेसन में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।